माँ बेटी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी मूंगफली के लड्डू। इसे बनाने के लिए हमने ली है कच्ची मूंगफली एक कटोरी, आधी कटोरी चीनी का बूरा, खाने वाला रंग थोड़ा सा, मिल्क पाउडर 2 छोटी चम्मच, दूध थोड़ा सा, घी थोड़ा सा। सबसे पहले हम एक जार लेंगे और उसमें अपनी एक कटोरी मूंगफली डालेंगे और इसको हम महीन पीस लेंगे। मूंगफली हमारी पिस गई है, गैस हमने ऑन कर दिया है और अपना फ्राई पैन रख लिया है। आंच को हमने धीमा रखा है। अब हम अपना घी डाल देंगे 1 चम्मच, ज्यादा घी की हमको जरूरत नहीं है क्योंकि मूंगफली में वैसे भी तेल रहता है। घी हमारा गर्म हो गया है तो हम अपनी पिसी हुई मूंगफली डाल देंगे, इसको चलाएंगे और थोड़ी देर भूंजेंगे। मूंगफली हमारी हल्की गुलाबी हो गई है और इसमें खुशबू भी आ रही है तो ये भूंज के तैयार है। तो अब इसमें हम अपना मिल्क पाउडर डालेंगे। और इसको मिक्स कर देंगे। मिल्क पाउडर हमारा मिक्स हो गया है तो अब अपना दूध डाल देंगे, थोड़ा सा दूध जो हमने लिया था लगभग 2 चम्मच छोटी चम्मच से, और साथ ही अपना खाने वाला रंग डालेंगे। ऑरेंज कलर हमने यहाँ पे लिया है और साथ ही अपनी चीनी का बूरा, साथ ही सारी चीजों को हम मिक्स करेंगे। सारी चीजें हमारी अच्छे से मिक्स हो गई हैं, तो अब हम इसको गैस को बंद कर देते हैं और इसे ठंडा करेंगे। ये देखिए ये ठंडा हो गया है तो अब हम इसके लड्डू बना लेते हैं। हमारी मूंगफली ज्यादा महीन नहीं थी, कुछ कुछ हमारी दरदरी थी इसलिए इसमें से कुछ मूंगफली के दाने हैं। आप चाहें तो बिल्कुल महीन करके भी बना सकते हैं। और ये हमारी बटर कटोरी है तो हम लड्डू इसमें सजा लेते हैं। लड्डू हमारे तैयार हैं तो हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। प्लेटिंग हमारी हो गई है, खाने के लिए एकदम रेडी है। ऐसे ही सिंपल और स्वीट रेसिपीज बनाने के लिए देखिए हमारा चैनल माँ बेटी किचन और हमें लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर।